शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र के सबसे बड़े पर्व में शुमार गणेशोत्सव पर भी कोरोना का संकट हावी होता दिख रहा है। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर देगरा शहर के मूर्तिकारों, मूर्ति विक्रेताओं और सामान्य नागरिकों ने इनबीसीएन को बताया कि किस तरह कोरोना संक्रमण काल में मूर्ति व्यवसाय और त्योहारों की खुशियों पर इसका असर हुआ है। पेश है ये रिपोर्ट। गणेशोत्सव का पर्व महाराष्ट्र में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। त्योहारों की सूची में गणेशोत्सव मानो महाराष्ट्र राज्य के सर का ताज है। दिग्रस शहर भी अपने गणेशोत्सव की अनोखी परंपरा के लिए काफी प्रसिद्ध है, पर अफसोस के इस साल कोरोना के संक्रमण के प्रकोप से गणेशोत्सव की खुशियां काफी हद तक प्रभावित होती नजर आ रही है। शनिवार को गणेश चतुर्थी पर घरों में गणेश जी का आगमन तो हुआ, लेकिन राज्य भर में कोरोना के संदर्भ में सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के चलते गणेशोत्सव की तैयारियां भी प्रभावित हुई। नतीजन इसका विपरीत परिणाम गणेश मूर्तिकारों, मूर्ति विक्रेताओं के व्यवसाय सहित गणेश भक्तों के उत्साह पर भी हुआ। शहर के मूर्तिकारों के मुताबिक इस बार उन्हें न सिर्फ बेहद कम ग्राहक मिले, बल्कि बड़ी संख्या में बड़े गणेश मंडलों के ऑर्डर कैंसल होने से उनका व्यवसाय 100% से गिरकर 25% पर आ गया है। व्यवसाय म्हणजे जसं 100% व्यवसाय राहते तसं यावेळेस फक्त 25% आलेला आहे। भरपूर नुकसान झालेलं आहे आमच्या आमच्या इथून, तर 25-30 मंडळ कॅन्सल झालेले आहे। खूपच कमी लोक आले यावेळी, तसाच माल खूपच उरलेला आहे। आता दुपारची 2 आले तरी पण गर्दी काहीच नाही आहे। माल आमचा भाव पण नाही आहे जसा पाहिजे तसा, उलट सगळ्यांना अजून मूर्तिकार जास्त झाले, गिराईकच कमी झाले। कोरोना संक्रमण के इस निर्दयी काल ने मानो त्योहारों की खुशियों के साथ ही बाजारों की रंगत भी छीन ली है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव का असर न सिर्फ गणेश चतुर्थी के अवसर पर सजे बाजार पर दिखाई दे रहा था, बल्कि आर्थिक तंगी की छाप मूर्ति विक्रेताओं के चेहरे पर भी साफ नजर आ रही थी। एकटा लोक अडचणी असल्यामुळे धंद्यावरही परिणाम झाला, व्यवसायाचं तर पाहिजे तसा झाला नाही। यावर तर तसा खूप परिणाम झालेला आहे, कारण की पहिले जसा रेग्युलर टायमिंग होता सकाळची संध्याकाळपर्यंत, खूपच प्रॉब्लेम चालू आहे आमचं। गणपती सकाळपासून तर 5 निघायला लागतं, त्यामुळे आता एवढं तर काही गणपतीचा विषय राहिला समजा, आणि राही गणपतीची गोष्ट मोठे गणपती आहे यावरपर्यंत 5 अंदर 2 सांगितलेले आहे, त्याचा लॉस खूप झालेला आहे आम्हाला। मागच्या वर्षी आणि यावर्षीमध्ये खूप फरक आहे। कसं आहे, मागच्या वर्षी तरी 7-8 म्हणजे 10 चालत होते, यावेळेस तर 5 आहे। आणि त्याच्यानंतर कसं आहे, लोकापेक्षा पैसा वगैरे यांचा पण तुटवडा खूप आहे, आणि या पाण्यामुळे धंद्यावर खूप मोठं नुकसान आलेलं आहे। पहिले जेवढे गणपती जात होते त्याच्यापेक्षा खूप कमी गणपती जात आहे यावेळेस। बहरहाल कोरोना संक्रमण से देश और दुनिया में इंसानी जीवन से जुड़ा हर क्षेत्र प्रभावित है। गणेशोत्सव भी इससे अछूता नहीं है। फिर भी गणेश भक्तों को यकीन है कि विघ्नहर्ता कोरोना से उपजी हर समस्याओं को जल्द ही हर लेंगे। कोरोना काल के कारण जो मूर्तिकार है इनका तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने काफी छोटी छोटी मूर्तियां बनाने का कहा, इस साल बताया गया। और जो मूर्तिकार है उनकी जो साल भर में एक गणपति मूर्ति बनाने में जो उनका आमदनी होती थी, वो आमदनी में उनको काफ़ी फर्क पड़ गया। रह जाओ उत्सव के, अब तक उत्सव में भी क्या हुआ कि बच्चों का उत्साह इस बार कम हो गया। जो सार्वजनिक गणेश मंडल के माध्यम से बच्चों का साल भर में एक बार 10 का जो उत्साह रहता था गणेश जी के प्रति, वो उत्साह बिल्कुल कम हो गया है। ऐसे काफ़ी यानी कोरोना महामारी कारण हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, उसका असर भगवान पे भी पड़ा वो देखने को मिल रहा है। गणेशोत्सव के पर्व पर उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना संक्रमण का ये विघ्न
खत्म होगा और व्यापार, उद्योग, रोजगार आदि क्षेत्र के जारी आर्थिक नुकसान की इस बिकट घड़ी से प्रभावित हो रहे सभी भारतवासी को निजात मिलेगा। NBCN के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।